नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलोदा मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों आज दिन है 19 नवंबर 2021 का। आज गुरु नानक जयंती का पर्व है जिससे मंडी का अवकाश है दोस्तों। और अवकाश के दिन आज क्या महमे आपके देखने को मिलनी है, बढ़िया और जोरदार बम्पर आवके आना मंडी के अंदर शुरू हो चुकी है। तो पूरा जायजा लेने के बाद आप सभी किसान भाई प्लेटफॉर्म की स्थिति देख पाएंगे और बाहर वाहनों की क्या स्थिति है वो भी आपको वीडियो का अंत तक, वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो जरूर देख लीजिए। नए किसान भाई जो आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कितने किसान भाई वीडियो पर पूरी तरह से सहमत हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसान भाई तक आपके रिश्तेदार पड़ोसी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि यहाँ की जो भी जानकारी हो सबसे पहले और सटीक जानकारी का आप सभी किसान भाइयों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप सटीक जानकारी देख पाए। रोज की बाजार की स्थिति क्या होती है वो भी हम आपको सभी किसान भाइयों को जानकारी प्रदान करते हैं। तो वीडियो आप सभी किसान भाइयों को अगर सब्सक्राइब कर रखा होगा तो जानकारी सबसे पहले अपलोड होकर आप सभी किसान भाई देख सकते हैं। ये आज की जो लहसुन आवके हमें देखने को मिल रही है, किस प्रकार की स्थिति आज बन रही है मंडी के अंदर और कौन कौन सी क्वालिटी आज लहसुन की मंडी के अंदर जो हमें देखने को मिल रही है आप देख लीजिएगा। इस प्रकार के फर्स्ट नंबर के प्लेटफॉर्म की जो स्थिति आपको बता रहा हूँ मैं, कहीं पर भी खाली स्पेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों हम आगे की स्थिति क्या है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, और अगर आप अभी घर से निकलते हैं लहसुन बेचने के लिए तो आज तो अवकाश है दोस्तों, और कल मंडी चालू रहेगी शनिवार के दिन, और फिर रविवार को अवकाश है और सोमवार से फिर से मंडियाँ चालू हैं। तो जिसको देखते हुए कितनी आवकें हमें मंडी के अंदर देखने को मिल रही हैं और किस प्रकार की क्वालिटियाँ मंडी के अंदर देखने को मिल रही हैं, तो दोस्तों इतनी जो क्वालिटी है मंडी के अंदर जिस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, पिछले सप्ताह की अगर हम भी इसमें बात करेंगे किस प्रकार सा बाजार हमें देखने को मिला है और साथ ही किस प्रकार की स्थिति उठा पटक जो बाजार में हमें देखने को मिली है और साथ ही लहसुन की आवकों की, तो जो किसान भाई नए हैं और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप सभी किसान भाइयों को दलदा मंडी की जो भी जानकारी हो सबसे पहले और सटीक जानकारी मिलती रहे। पिछले सप्ताह में जो आवके हमें देखने को मिली हैं बढ़िया और बम्पर आवके हमें देखने को मिली थी, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मंडी के पीछे वाले गेट पर जो वाहनों की अपडेट हो 70 वाहन से कभी भी कम हमें देखने को नहीं मिले हैं। पिछले सप्ताह की जो स्थिति अगर हम बताएं आप सभी किसान भाइयों को, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे यहाँ की स्थिति के माध्यम से पिछले सप्ताह की मैं बात करूँ और बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर उतनी उठापटक नहीं देखने को मिली है। और साथ ही इसी के साथ में यहाँ की जो वाहनों की जो अपडेट है, जितने वाहन खड़े हैं वो भी आपको अपडेट इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म की साइड के तो अंदर का तो हमें जो वाहन देखने को मिल रहे हैं लगभग 15 वाहन है। हाँ, प्लेटफॉर्म की साइड पर जिस प्रकार से आपको देखने को मिल रही है ये साइड, इसमें 15 वाहन है और आगे जो खड़े हैं वहाँ की जो वाहनों की अपडेट हमें देखने को मिल रही है 12 वाहन और आगे भी वाहन हमें देखने को मिले, टोटल मिलाकर 20 से 30 वाहन हो सकते हैं अभी की स्थिति में। और गेट की क्या स्थिति बन रही है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखने को मिलेगा। बढ़िया लहसुन आई जरूर है जिस प्रकार से आप देख पाएंगे व्हाइटनेस के माध्यम से कौन कौन सी क्वालिटी मंडी में आई है। अगर पिछले सप्ताह की अगर बाजार की बात करूं तो ऐसा बाजार तो कहीं तेज हमें देखने को नहीं मिला है, बाजार पूरे दिन उठापटक के साथ में या पूरे सप्ताह अगर बात करूं, कल थोड़ा सा जरूर बढ़िया कड़क मालों में थोड़ा सुधार हमें जरूर देखने को मिला था, लेकिन मंगलवार से जब से मंडियां चालू हुई हैं, कल की बात करूँ गुरुवार तक, तो मंगलवार बुधवार और गुरुवार 3 दिन मंडियां चालू थी, जिसके बाद में जो बाजार हमें देखने को मिला है उठापटक सा बाजार देखने को मिला, और मंगलवार के दिन तो बाजार में कम से कम 1000 रुपये तक की नरमी हमें देखने को मिली थी। उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा हालत खराब थी, लेकिन बुधवार को थोड़ा सुधार हमें देखने को मिला था और गुरुवार के दिन भी हल्का सा सुधार था, लेकिन जो एवरेज माल है और हल्की क्वालिटी है जिस प्रकार से अगर आपको बताऊं, ये जो माल आप देख पा रहे हैं इसकी जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है इस प्रकार से मालों में, पिछले सप्ताह में जो बाजार हमें देखने को मिल रहा था समान बाजार था, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे मैं क्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसा जो लहसुन है उसमें अगर आपके घर पे भी अगर ये इस प्रकार की क्वालिटी अगर पड़ी हो तो ऐसे लहसुन में बाजार हमें सामान देखने को मिल रहा था जिस प्रकार की ये जो क्वालिटी आपको बता रहा हूँ, इसमें भी लहसुन इक्का दुक्का कहीं कहीं पर ख़राब है। अगर लहसुन उसमें ख़राब नहीं है तो पूरी लहसुन ख़राब नहीं है तो इक्का दुक्का कल्ली उसके अंदर जरूर हमें खराब देखने को मिल रही है। बाकी पूरे अंडी के अगर अनुमानित अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ की स्थिति के माध्यम से, तो ऐसी कम से कम 20% ही ऐसे लाट होंगे पूरी मंडी में जिसका एकदम ठोस माल है, पूरी लहसुन एकदम ठोस क्वालिटी के साथ में, बाकी
लगभग 70 से 80% तो ऐसे लॉट है मंडी के अंदर जिसमें लहसुन खराब नहीं है पूरी, तो इक्का दुक्का कली खराब है या फिर पूरी लहसुन ही खराब है, पूरा ही दांतरा माल है जिस प्रकार से क्वालिटियाँ पिछले सप्ताह में हमें देखने को मिली थी, तो बाजार भी उतना नहीं था। ऊपर में एक दिन लॉट जरूर 10,000 रुपए तक क्वालिटियाँ बिकी थी, लेकिन बाजार में कोई ज्यादा उठापटक नहीं है, बाजार में लटक सा ही बाजार हमें देखने को मिला था पिछले सप्ताह की मैं बात कर रहा हूँ। और साथ ही प्लेटफॉर्म की जो स्थिति आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से कड़क माल, जिस प्रकार से मैं बताता हूँ आपको कि मंडी के अंदर जिस प्रकार से ये क्वालिटी देखने को मिल रही है, ये बड़ा माल जो हमें देखने को मिल रहा है इस प्रकार का सफाई किया हुआ है, लेकिन इसका थोड़ा पर्दा जरूर कमजोर है, लेकिन क्वालिटी और माल बहुत बढ़िया और शानदार है। इस माल के अंदर जो अगर क्वालिटी बताऊँ तो इसमें कोई कोई एक हद या फिर 10% तो है ऐसा कि जिसमें कलिया खराब है, बाकी माल एकदम ठोस है जो आप देख पा रहे हैं। बाकी बाजार आने वाले सप्ताह के भी कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बाजार नरम सा होता ही जा रहा है दिन पे दिन, जो बाजार के कंडीशन हमें देखने को मिल रही है ऐसा ही बाजार हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आने वाले बाजार की जो कंडीशन हो सकती है वो किस प्रकार से रहेगी, लेकिन इस बात का जरूर हम जायजा ले चुके हैं कि जो आवके हैं वो इस बाजार को देखते हुए, ऐसी जो नरमी देखते हुए हम आवके बढ़ सकती हैं। अभी मंडी की अगर स्थिति में आपको बताऊं, किसान भाइयों सभी को एक बार और निवेदन रहेगा आप सभी को, आज 19 नवंबर 2021 का आज दिन है और मंडी का आज अवकाश है, जिसको तहत मैं आपके यहाँ की आवकों की स्थिति जो पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ, तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, कल यहाँ पर बारिश हुई थी, बढ़िया और जोरदार बारिश जो हमें देखने को मिली थी, लेकिन उतना नुकसान किसान भाइयों का नहीं हुआ था, क्योंकि लहसुन भी अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर ही थी और बाकी सभी किराना जिनसे भी प्लेटफॉर्म के अंदर थी, और सोयाबीन की अगर बात करें तो वो भी प्लेटफॉर्म के अंदर ही हमें देखने को मिली थी। बढ़िया अगर सोयाबीन में बढ़िया जोश हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही जो क्वालिटियाँ मंडी में आ रही हैं, जिस प्रकार से अगर आपको बताऊँ तो 20-34 जो सोयाबीन है भिजवारा माल, उसकी बढ़िया मांग है, बढ़िया रेवाली उसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से आप सभी किसान भाई को मैं जानकारी दूं तो 6,551 रुपए बढ़िया टॉप क्वालिटी का माल जो कल मंडी में बिका था, बाकी 67 भी है 20-34 की जो माल की क्वालिटी, लहसुन की सोयाबीन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, 20-34 जो बिजवारा क्वालिटी है वो कल मंडी में जो बिकी थी उसकी भी साथ ही मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये इस प्रकार का माल जो आप देख पाएंगे, ये देखिएगा इस माल की जो क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है, बढ़िया बॉम साइज माल है, एक्स्ट्रा फुल गोला भी इसके साथ में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो कंडीशन हमें देखने को मिल रही है इस लहसुन के अंदर, ये देखिएगा कलिया खराब है इसमें भी, लेकिन माल बढ़िया और जोरदार माल है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि कम से कम ही लॉट ऐसे हैं जिसमें पूरी ठोस क्वालिटी है, पूरा माल कड़ा के एकदम ऐसी क्वालिटी जो हमें देखने को मिल रही काफ़ी कम है। बाकी जो माल हमें मंडी के अंदर देखने को मिल रहा है कि कलियाँ खराब हो गई हैं या फिर पूरी लहसुनी खराब हो गई है या फिर जिस प्रकार से आप देख पाएंगे इस प्रकार की स्थिति। और अब बात करते हैं दोस्तों कि गेट की क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो जो आवके हमें देखने को मिली हैं बढ़िया आवके रही हैं मंडी के अंदर। अगर आज की अवकाश को देखते हुए भी मंडी आज दिन में 12 बजे ही मंडी फुल हो गई है, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ की जानकारी दे रहा हूँ, 12 बजे मंडी फुल हो चुकी है और अभी की स्थिति में गेट लग चुके हैं और गेट के बाहर भी वाहनों की जो स्थिति है, वाहन की कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। आप जब भी अब मंडी के निकलते हैं तो मंडी के गेट लग चुके हैं और आपको बाहर वाहनों की कतारों में खड़ा रहना पड़ सकता है, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे दोस्तों। मैंने जो जानकारी दी है आप सभी किसान भाइयों को, अगर थोड़ी सी अगर कहीं बुरी लगी हो, कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो सभी साथियों को माफी चाहूंगा। जिस प्रकार से जो आवके हमें देखने को मिली है दलदला मंडी के अंतर्गत, जो आवके मैं बता रहा हूं आज की, वाहन भी खड़े हैं। अगर दोस्तों आप अगर खुली ट्राली या फिर खुली पिकअप के अंतर्गत अगर अपनी लहसुन मंडी के, बहुत से किसान भाई जो हमें चर्चा करते हैं कमेंट के माध्यम से जो जानकारी अगर प्रदान करते हैं, उनके लिए मैं अगर जानकारी दूं तो अगर दूर से किसान भाई भी आगे आते हैं उज्जैन भवानी मंडी, ऐसे किसान भाई अगर मंडी में अपनी लहसुन लेके आते हैं तो उनकी क्या स्थिति बनती है, जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ की अगर जानकारी दूं, तो अगर आप खुली ट्राली में अगर हो सके, अगर खाली हो तो आप प्लेटफॉर्म के अंदर ही अपनी लहसुन खाली कीजिएगा। अगर नई जगह उसके बाद भी अगर गेट के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो खुली ट्राली के अंतर्गत आप माल ला सकते हैं मंडी में, लेकिन आपको नीलामी कार्य जो होगा आपको खाली करना ही पड़ेगा माल।
ये जो टाली आप देख रहे हैं ये आगे खड़ी हैं। इसके बाद में जब भी रिलामी कार्य में टाइमिंग जो परिवर्तन हुआ है, 10:30 बजे रिलामी कार्य शुरू हो चुका है लहसुन का, तो आपको जो ये ट्रालियां देख रही हैं, सभी किसान भाई ने कल बारिश को देखते हुए अपने अपने ट्राली या पिकअप के ऊपर त्रिपाल या प्लास्टिक लगा रखा है, क्योंकि कल इतना नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन बारिश बढ़िया और जोरदार हुई थी कल, जिस प्रकार से आप देख पाएंगे। ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से इनका रिलामी कार्य शुरू होगा तो इनको माल अपना जो लहसुन है वो नीचे खाली जरूर करना पड़ेगा। और दोस्तों अपेक्षा से कम वाहन हमें देखने को मिल रहे हैं जो खुली ट्राली के अंतर्गत आए हुए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ अपेक्षा से कम, बहुत कम। बाकी ज्यादातर जो किसान अपने माल की जो रिलामी कार्य पूरा कर रहा है, बिक्री पूरी कर रहा है, तो वो कर रहा है अपने लोटों के अंदर या फिर ढेर बनाकर ही अपनी कृषि का जो लहसुन है उसकी बिक्री लोटों के माध्यम से कर रहा है या फिर ढेर बनाकर ही कर रहा है। बाकी जो किसान ज्यादा अपनी कृषि उपज लेके आ रहा है इस लहसुन की, उसकी जो देख पाएंगे आप इस प्रकार की स्थिति, उसको भी खाली आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 19-20 सा अगर माल दिखता है तो इसके लिए खाली आपको माल जरूर करना पड़ेगा। दोस्तों जानकारी काफ़ी लंबी है, वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका है, और अब हम आपको ले चलते हैं मंडी के जो पीछे वाले गेट की क्या स्थिति बन रही है, उसका किस प्रकार से नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। आप अगर मंडी में अगर अपनी लहसुन अब अगर लेके आते हैं, अब टाइमिंग है दोस्तों 1:01 बज चुके हैं, दिन है 19 नवम्बर का, और अवकाश सूचना जो आपको मैं पहले अपडेट करता था। बाकी किसान भाई आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी किसान भाई के पास है मोबाइल या कॉन्टेक्ट नंबर है वो प्लीज मंडी टाइम में कॉन्टेक्ट ना करें। प्लीज दोस्तों आपसे माफी चाहूंगा कि मंडी टाइम में आप कॉल ना करें, आपसे निवेदन रहेगा कि सुबह और शाम आपको कॉल कर सकते हैं। बाकी मैं आपको जानकारी ऐसी कोई नहीं है कि मैं आपको जानकारी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से नहीं देता हूँ, सभी जानकारी अवकाश सूचना भी लगभग अगर मुझे जानकारी मिलती है तो आप सभी किसान भाइयों तक मैं 1 या 2 दिन पहले ही पहुंचा देता हूँ। शनिवार कल है दोस्तों और तीसरा शनिवार है, जिसके कारण मंडियां बंद नहीं रहेगी, कल मंडी चालू रहेगी दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ की स्थिति, और आवकें बढ़िया रही हैं और ऐसी ही आवकें आने वाले सप्ताह में भी हमें देखने को मिल सकती हैं। बाकी बाजार जो नरम और गरम रहेगा उसकी कोई जानकारी नहीं है, जिस प्रकार से पिछले सप्ताह में बाजार चल रहा था ऐसा भी चल सकता है, कोई तेजी भी बन सकती है, बाकी इसकी कोई जानकारी नहीं। जो भी किसान भाई अपनी लहसुन अगर बिक्री करता है, बाकी अपना खुद का अनुभव के हिसाब से बिक्री कीजिएगा, हम तेजी मंदी की कोई जानकारी आप सभी किसान भाइयों को नहीं प्रदान करते हैं। बाकी आप अगर अपनी लहसुन अगर मंडी में लाते हैं तो अपने विवेक और वैभव के माध्यम से आप अपना बिक्री कार्य पूरा कीजिएगा, यहाँ की कल भी तेजी मंदी जो चलेगी उसकी भी जानकारी हम नहीं देते हैं, लाइव मंडी रिलामी के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को तेजी मंदी का अपडेट प्रदान करते हैं। बाकी आगे क्या तेजी मंदी हो सकती है, किस प्रकार से बाजार चल सकता है आने वाले सप्ताह में कल का बाजार, तो उसकी जानकारी नहीं है दोस्तों। दोस्तों मंडी के गेट लग चुके हैं और अभी की स्थिति में जो बाहर वाहनों की जो अपडेट हमें देखने को मिल रही है, अभी की स्थिति में 2 वाहन खड़े हैं दोस्तों और टाइमिंग है 1:10 अभी हो रहे हैं, और ये स्थिति हमें देखने को मिली है, गेट लग चुके हैं मंडी के और 2 वाहन अभी की स्थिति में बाहर हैं। और अगर आप किसान भाई अगर मंडी में अब अगर लेके आते हैं तो आपको लाइनों की कतारों में खड़ा रहना पड़ेगा। जो किसान भाई नए और चैनल पर अगर पहली बार आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो नए किसान भाई हैं चैनल पर सब्सक्राइब भी पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को या घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप सभी किसान भाइयों को यहाँ की जो भी जानकारी हो सबसे पहले अपडेट मिलती रहें।